भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भागवत का स्टेटमेंट पेपर में आया है। हमें जानकारी मिली है कि मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया है 2021 में जो जनगणना होने वाली है उस जनगणना में आदिवासियों का अपना धर्म हिंदू लिखवाना अनिवार्य होगा। किस संगठन का है सर? मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, जैसे कि मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया है कि आदिवासियों को अपना धर्म हिंदू लिखवाना अनिवार्य होगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? ये मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मोहन भागवत ने आदिवासियों का ठेका नहीं ले रखा है। आदिवासी का अपना धर्म है। आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। आदिवासी का अपना धर्म है। और जो मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया है कि 2021 की जनगणना में आदिवासियों का हमारे विभिन्न संगठनों के माध्यम से मुहिम चला करके हिंदू लिखवाने का काम करेंगे, मैं मोहन भागवत जी को कहना चाहता हूँ कि हमने इसके विरोध में ये जबलपुर हाईकोर्ट में एक ज्ञापन दिया जा रहा है। उनके विरोध में आरएसएस और आरएसएस के विभिन्न आपसूक संगठनों के विरोध में वो विभिन्न धाराओं में धारा 120 ए, 120 बी, 195, 298, 510, 511 में के तहत इंडियन पेनल कोड के तहत FIR दर्ज करे और उनके विरोध में ये आदिवासियों का धर्मांतरण करने के विरोध में एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज करे। ऐसा हम लोग ये अभी ज्ञापन तैयार किया गया है और हमारे विभिन्न आदिवासी संगठनों से भी हम लोगों ने अपील की है कि इस 18 फरवरी 2020 को हम मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। उस ज्ञापन में विभिन्न संगठनों से अपील की है कि वो संगठन भी इस ज्ञापन में सम्मिलित हो और आदिवासी हिंदू नहीं हैं, ये विभिन्न न्यायालयों के, हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है और आदिवासियों की परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, टोटम, कस्टमरी लॉ, ये तमाम चीज़ें हिंदुओं से अलग है। और जयपाल सिंह मुंडा ने भी संविधान सभा में कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हम आदिवासी है, इस पे हमें गर्व है। तो हम मोहन भागवत जी को चेतावनी देना चाहते हैं कि आदिवासियों को हिंदू बना करके उनका धर्मांतरण करवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो मध्य प्रदेश उनके राष्ट्रीय महासचिव, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि 2021 की जनगणना में आदिवासियों को हिंदू नहीं लिखेंगे तो उनकी सरकार नहीं बचेगी। तो इस तरह की धौंस अगर वो सरकार को दे सकते हैं तो हमारे आदिवासी जो भोले भाले हैं, अशिक्षित है, ऐसे लोगों को अपने संगठनों के माध्यम से दबाव डाल करके, डरा करके, धमका करके वो हिंदू लिखवा सकते हैं। ये एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत आता है, डराना, धमकाना। तो हम माननीय चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर से आग्रह करते हैं कि वो इनके विरोध में FIR दर्ज करें और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करें। आदिवासी हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।